नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान ने सेक्रेटरी इतलात व तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और मुस्लिम लीग नून मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी के एजाज में फाल्कन क्लब में इशाइया का एहतमाम किया। इशाइया तकरीब में मिसिस फरहत मशहूद, निहाल हाशमी, सायरा बानो, राना खालिद, हसनैन नकवी, मिस अबेला रिजवान, मिस माह जमील, सैयद कोसर काजमी, महनूर, डॉक्टर सादिया, मिस नादिया, मलक तैयब और तैयब शहजाद समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के न्यूज लेटर होरिजन की टीम ने प्रेजेंटेशन भी पेश की। मैं सिर्फ चूंकि मरियम मेरी बहन भी है और आपका एक हमारा एक इज्जत का रिश्ता भी है, ये वो टीम बैठी भी है जिसने डिलीवर किया और जिसने ना सिर्फ डिलीवर करके दिखाया बल्कि इतने बुरे हालात में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स असेंबली के अंदर जो है हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हमारे जो एजुकेट किया जाता था, इसी तरह जितने सारे दोस्त बैठे हैं इन्होंने मतलब मैं समझता हूं कमिटमेंट के साथ हमें हर फील्ड के अंदर सपोर्ट किया और आज हमारे पास इतनी बड़ी रिपोजिटरी बन चुकी हुई है कि हमें कोई भी इशू हो उसके ऊपर हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा मौजूद है। सिद्दीकी साहब और मरियम मोहम्मद साहबा जो मुझे सबसे बड़ी सपोर्ट रही है मेरी बहनों की रही है मेरे बच्चों और मैं आपकी टीम को बहुत बात करना चाहती हूँ राना मशहूद साहब, आपको मैं सारी बात देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में आज के दिन हम आपके उस कमिटमेंट उस डेडिकेशन और जो आपका हमेशा से एक इमोशनल कनेक्ट जो आपके साथ कोई आया हुई बेटी की तरफ जो आपका जो आप मिनिस्टर थे एजुकेशन के स्पोर्ट्स के यूथ के जो आपके काम पंजाब में सीएम शहबाज शरीफ साहब के साथ सब लोग उसकी बातें करते हैं कि मैंने अच्छा कभी काम किया नहीं था लेकिन कमाल टीम है आपकी और खाली एक प्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि अमली तौर पर मैंने इनको काम करते देखा है और तमाम खातून हज़रात का इतना खूबसूरत और इतना अब मेरे जहन में मुश्किल सा लफ्ज आ रहा है मरियम फिर तुम मुतनवर किस्म का जो मजमा आपने यहाँ लोग आए हैं मुझे बहुत खुशी हुई है इन बासलाहियत और बहुत ही मेहनत शाह नौजवानों से मिलकर और बाकी नौजरात से मिलकर। हकीकत यह है कि
ऐसे ही नौजवानों की और ऐसे ही साहिब किरदार लोगों की और साहिब उम्र लोगों की हमें जरूरत है इस माशरे के अंदर, जहां इंतशार ज्यादा है, इश्तियाक ज्यादा है और जहां हम किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर लोग अपनी सलाहियतें इसी तरह के मुस्बत और इसी तरह के तामीरी और प्रोडक्टिव कामों में लगा दें तो मेरा ख्याल ये है कि मुआशरा बड़ी हद तक एक सरात मुस्तकीम के गामजन हो सकता है। आज की ऑडियंस और आपकी परफॉर्मेंस को देख के उस्ताद के साथ बैठा हुआ मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है। हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस और मैं सोचता था कि पॉलिटिकल साइंस क्यों नाम रखा गया, कोई साइंटिस्ट है इसके पीछे के नहीं है, तो आज मुझे ये साइंटिस्ट करना साइंटिस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस।